जुजित्सु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में उत्तराखंड में पहली बार संपन्न हुए एशियन गेम्स के चयन ट्रायल के जरिए मंगलवार को भारतीय जुजित्सु टीम का चयन कर लिया गया। ये सभी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा सितंबर माह में हांगझोउ चाइना में होने जा रहे 19वें एशियन गेम्स में भारत की तरफ से खेलेंगे। 16 सदस्यीय भारतीय टीम में 8 पुरुष और 8 महिलाओं का चयन किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने पहुंची भारतीय ओलंपिक संघ की ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रोफेसर अलकनंदा अशोक ने 19वीं एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए चयनित भारतीय जुजित्सु टीम के खिलाड़ियों को बधाई देकर देश के लिए पदक जीतने की अपील की। उन्होंने कहा कि जल्द ही जुजित्सु खेल की लोकप्रियता और राज्य के खिलाड़ियों की पदक सूची को देखते हुए इस खेल को राष्ट्रीय खेलों में शामिल कराने का प्रयास किया जाएगा। मंगलवार को स्थानीय इंदिरा गांधी इंटरनेशनल इंडोर स्टेडियम पहुंची अलकनंदा अशोक ने पहली बार किसी भी खेल के एशियाई खेलों का चयन उत्तराखंड में कराने पर भी आयोजन समिति को बधाई दी। सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा सिलेक्शन एशियन गेम्स के लिए हुआ है, और सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को धन्यवाद करती हूँ तो वो मेरे कोच हैं विनय सर, जिनकी वजह से मेरा आज सिलेक्शन हुआ और जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ये एक ही दिन की मेहनत नहीं है, सालों साल से हम लगे हुए हैं, और सर बहुत सपोर्टिव हैं और सर हमेशा गाइड करते हैं, तो आज सबसे बड़ा दिन है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ और सर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। देखते हैं जो गेमों में लगातार जिस प्रकार से यहाँ पर आप लोग करते हैं, किस प्रकार से आगे जाएंगे, तो किस सारी चीज़ें रहने वाली हैं और किस प्रकार से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? अभी जो हमारी तैयारी थी वो बहुत ग्राउंड लेवल की थी, अभी जो हम तैयारी कर रहे थे वो अपने शहर में कर रहे थे, बट अब जैसे जैसे हमारा सिलेक्शन हुआ है एशियन गेम्स के लिए तो हमारी फेडरेशन बाहर से कोचेस बुलाएगी हमारे लिए, और साथ ही साथ हम बाहर जा सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो बहुत ही बड़े लेवल पर हमारी ट्रेनिंग होगी और फेडरेशन हमें बहुत सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम भारत के लिए, अपने देश के लिए और साथ ही साथ उत्तराखंड का नाम बहुत आगे बढ़ा सकें। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार किसी एशियाई खेलों, जो कि ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा इवेंट एक होता है जिसको ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कराती है, उसके भारतीय टीम का चयन जो है मालदवानी में करवा रहे हैं पहली बार। ये सबसे बड़ी उपलब्धि तो पहले ही है। दूसरी बात, भारत के जो 36 टॉप मोस्ट खिलाड़ी थे, गोल्ड मेडलिस्ट जिसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप के खिलाड़ी और एशियन चैंपियनशिप के मेडलिस्ट और नेशनल के मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, वो सब खिलाड़ी 36 खिलाड़ी जो है यहाँ पर आए हुए हैं विभिन्न प्रदेशों के, और अब उनमें से जो है हम 8 पुरुष और 8 महिलाओं का चयन भारतीय टीम में एशियन गेम्स के अलावा करेंगे, जो कि सितंबर माह में 19वें एशियन गेम्स हांगझोउ चाइना में जो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के निर्देशन में होंगे। किस प्रकार से तैयारी करवा रहे हैं? और तैयारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सारी सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जाएंगी, जो भी ये 16 खिलाड़ी यहाँ सेलेक्ट होंगे उनकी ट्रेनिंग में जो भी पता चला एक करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ है, जो भी ट्रेनिंग इन बच्चों की होगी उसमें विदेशी कोच बुलाए जाएंगे। अब हम लोग ये प्रयास ये कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी और हम लोग की, अगर हम प्रयास पूरा ये कर रहे हैं कि उत्तराखंड में ही उस ट्रेनिंग को भी हम जो हमारी नेशनल लेवल की ट्रेनिंग है उत्तराखंड में ही हो, ये हम प्रयास कर रहे हैं। अगर सरकार थोड़ा सा मदद करेगी और एक वेन्यू परमानेंट उपलब्ध कराएगी 3 माह के लिए, तो हम उन एशियन गेम्स की जो तैयारी भारतीय टीम की होगी उसको भी हल्द्वानी में ही कराने की योजना बना रहे हैं।